नमस्कार दोस्तों, है शर्मा चनाब टीवी की हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। डीसी अरविंदर सिंह ने आरएलबी अधिकारियों के साथ जिले में तृतीय स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन करने के लिए स्टेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा और घट में जीएमसी के मुख्य भवन का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता और स्वच्छता बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच समय की पाबंदी के महत्व पर जोर दिया। 22 लोगों का हुआ था, ये वो लिस्ट है, उसे दो दो गाड़ी का 22 लोग ठीक है, ट्रैक पे है, वो ठीक है। क्या है आपको दिन के दो दिन के सारे ठीक है, आपको ऐसा जरूर तो नॉन नेचर के लग रहा है। ये फाइल है, सफाई है, ये सफाई है। कहाँ कितना बंदा आता है दिन में? ट्रेनिंग ही नहीं है तो कैसे होगा? इसका ड्रेनेज का भी प्रोविजन रखा है आपकी इंटरनेट सिक्योरिटी ज्यादा लोड नहीं है ये तो 31 के लिए रिजर्व था ना, इसकी डिलीवरी हो गई सर। ये है होटल ट्रेंड अच्छे आईडी हो गया है, तो डिलीवरी हो रही है। डॉक्टर से पूछना है, इनसे क्या पूछना है? अच्छा, तो हमारे जो फैकल्टी है वो बीच में यहाँ आती है, बीच में वहाँ जाती है। सर जो नॉन क्लिनिकल नहीं बैठती, जो नॉन क्लिनिकल आपकी फैकल्टी होती है वो ऑपरेशन की करती है, कंप्लीट कर दोगे? मार्च में क्या है, मार्च ज़्यादा दूर नहीं है। ये फंक्शनल है, नहीं यहाँ ये फंक्शनल है, दर्ज उसको अपराध की स्थिति की समीक्षा करने और आगामी दिवाली त्योहार के मद्देनजर श्री अब्दुल कयूम जे के PSSSP डोडा ने PCR डोडा में सुरक्षा समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों ने भाग लिया। किश्तवाड़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर नजीर हुसैन MO ने एक हार्दिक मुलाकात में एक उल्लेखनीय भारतीय पैरा तीरंदाज जिन्होंने असाधारण सफलता हासिल की है, शीतल देवी के परिवार को हार्दिक बधाई दी। शीतल देवी ने तीरंदाज के क्षेत्र में अपनी असाधारण उपलब्धियों से सभी बाधाओं को पार कर लिया है। उनकी सफलता यही नहीं रुकी, शीतल देवी की उल्लेखनीय यात्रा पैरा एशियाई खेलों के फाइनल में महिलाओं की कंपाउंड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। जिला डोडा में डोडा टाइटंस क्लब और डायमंड यूथ क्लब की ओर से स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में चिनाब बिग बैश 2023 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में जिला डोडा के कई इलाकों से दर्जनों टीमें हिस्सा ले रही हैं। आमिर मुगल, देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हो तो ऑब्वियसली आप इन चीज़ों को जो है अवॉइड करोगे। जब तक आपका कोई इंटरेस्ट नहीं हो, जब तक आप में कोई एम्बिशन ना हो, तो आप ऑब्वियसली इन गंदी चीज़ों में जो है लगे पड़ोगे। जब आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करोगे अपने आप को, जब आप एक एनर्जी लेवल पे आओगे तो ऑब्वियसली आप जो है ड्रग्स को साइड कर लोगे और उससे बाहर अपनी लाइफ को जीना पसंद करोगे। देखें, मैं उस चीज़ के लिए बार बार यही जो है सबमिशन करता हूँ हर किसी से, यही रिक्वेस्ट करता हूँ हर किसी से कि जो हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा का है इस पर एटलीस्ट फोकस किया जाए। हमारे पास डोडा में कोई और एक्टिविटी के लिए कोई भी जगह नहीं है एक्सेप्ट एक चीज़ हमारे पास, वो है स्पोर्ट्स स्टेडियम। इसका जो है एटलीस्ट मेंटेनेंस के लिए किसी ना किसी को चार्ज दिया जाए, इसकी जो डेवलपमेंट के लिए किसी ना किसी को चार्ज दिया जाए। तो जिस हिसाब से आप बोल रहे हो कि राजौरी का स्टेडियम है और डोडा का स्टेडियम है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कंपेयर भी हम कर सकते हैं।
मैंने लास्ट टाइम राजौरी का एक नाइट टूर्नामेंट देखा था, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था उनकी लाइट्स देख के, उनका ग्राउंड देख के कि वो राजौरी का स्टेडियम है। मुझे ऐसा लग रहा था किसी बाहर कंट्री का स्टेडियम है। क्यों? क्योंकि वहाँ की लाइट्स, वहाँ का ग्राउंड, बहुत सारी जो है डिफरेंसेस हैं। इन दो स्टेडियम्स को साथ में फंड्स दिए गए, अब वो एडमिनिस्ट्रेशन जाने या बाकी चीज़ें जाने कि वो फंड्स यूटिलाइज कहाँ पे हो रही हैं। यहाँ पे जो हमारी लाइट्स आप देख रहे हैं, ये फ्लड लाइट्स भी नहीं हैं। स्टेडियम की लाइट्स तो दूर की बात, ये फ्लड लाइट्स भी नहीं हैं। जहाँ पे जब लास्ट टाइम कॉस्को के बाल का टूर्नामेंट हुआ, यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट लगानी पड़ी। वो क्यों? क्योंकि जो लाइट स्टेडियम के लिए आई थी वो लगी नहीं। तो हम यही चाहेंगे कि एटलीस्ट इस स्टेडियम पे जो है फोकस किया जाए, इस स्टेडियम को जो है उस लायक बनाया जाए कि यहाँ पर टूर्नामेंट्स हों और अच्छे टूर्नामेंट्स हों। आज की हिंदी बुलेटिन यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।